जय हिंद। चाइना और ताइवान के बीच का तनाव की वजह क्या है, जानने के लिए हम जरा इतिहास में चलते हैं। उससे पता चलेगा कि इनकी तनाव का कारण क्या है। 1894 में चाइना और जापान के बीच में जंग छिड़ी। उसके बाद ताइवान जो है जापान के कंट्रोल के अंदर आया और उसको रिपब्लिक ऑफ फार्मोजा डिक्लेयर किया 1895 में। अब चाइना के लोगों में बहुत सारा अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स, एजिटेशन चल रहे थे। उसी कारण 1911 में एक रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड में बना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द आइलैंड ताइवान में बना, जो कि जापान के कंट्रोल में था। अब जापान के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉलोनियल रूल्स, ताइवान के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने जापान के अगेंस्ट सेकेंड सिनो जापानीज वार छेड़ दी 1937 में। उसके बाद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में अंत हो चुका था। जापान ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के हाथों सौंप दिया वापस। अब ताइवान में कुओमिंटांग जो डोमिनेटिंग पार्टी है, उन्होंने अपना ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इस बात को लेकर चाइना के मेनलैंड वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली में 25 दिसंबर 1946 में एडॉप्ट कर लिया गया। ताइवान में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चाइना मेनलैंड और ताइवान के बीच एक तरह का सिविल वॉर छिड़ गई। और उसके बाद कुओमिंटांग को मार्शल लॉ के अंदर ताइवान को रूल करना पड़ा। ताइवान मार्शल लॉ के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे हट चुका है और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स में भी पीछे जा चुका था और यूएन नेशन सीट्स में भी सीट लूज कर चुका है। और यूएस ने मेनलैंड चाइना की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया 1970s में। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ऑफ यूएस ऑन ताइवान। यूएस भले ही ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मगर उसे पता है कि उसका व्यापार का कितना वैल्यू है और उनने ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 लाकर अनऑफिशियली सारे ऑफिशियल काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कई तरह के व्यापार हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो, इस तरह के काम। और एम्बिग्यूटी का रीज़न यह है कि ये कभी नहीं कहता कि ताइवान को कि ताइवान इंडिपेंडेंट है, या ये नहीं कहता कि ताइवान को चाइना के साथ मिल जाना चाहिए। अब मार्शल लॉ अब तक ताइवान में हट चुके थे और 2016 में इलेक्शन के बाद त्साई इंग ने साफ कह दिया कि ताइवान को इंडिपेंडेंस का वैल्यू है। अब इस बात से नाराज चाइना हमेशा न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स और नेवी शिप्स ताइवान के बॉर्डर के अराउंड भेज देता है। अब ताइवान वर्ल्ड्स में टॉप सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरर हब बन चुका है, जिसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में अगर हो तो इंडिया को बहुत फायदा हो सकता है। सेमीकंडक्टर्स मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, वेपन सिस्टम्स में, हर जगह यूज होता है, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की में भी, इलेक्ट्रिक कार्स टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम आने वाला है। इसी तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइवान को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान पे सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है और जॉब सपोर्ट्स को लेकर भी कुछ हद तक डिपेंडेंट है। और इस तरह के फैक्टर्स को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को बहुत सारे वेपन्स सेल किए हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी हेल्दीली बना रहे और सेमीकंडक्टर में खुद सेल्फ डिपेंड हो सके। ताइवान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होने की वजह से यूएस ने हर तरह के वेपन सिस्टम्स, जो कि नेवी हो, एयरफोर्स हो,
या डिफेंस आर्मी हो, उनके हर कैटेगरी के वेपन्स दिए, टैंक्स को लेकर, मिसाइल्स को लेकर, एयरफोर्स के F-16 जेट फाइटर्स, रेडार्स, इस तरह के हर क्षेत्र के काम आने वाले वेपन्स ताइवान को सेल किया। और वहीं दूसरी ओर इस तनाव को देखते हुए चाइना ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जिसके बाद सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट्स में बहुत ज़्यादा बजट बढ़ाया। तो यही है चाइना और ताइवान के बीच का तनाव, और चाइना और यूएस के बीच का तनाव। जय हिंद।